नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट डे हम जाने वाले हैं इटावा घूमने के लिए, तो फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ। मेरे पास वही वाला कैमरा वाला बैग है, साथ में गाड़ी मैंने बाहर निकाल दी है और गाड़ी थोड़ी बहुत साफ सफाई भी कर दी है। पापा ने भी करवा ली थी और मैंने भी कर दी है। सत्यम नहाकर रेडी हो चुका है और घड़ी में 6:53 हो रहे हैं और मुकेश भी तैयार हो चुका है और हिमांशु भी तैयार हो चुका है। पंकज का जैसे मैंने आपको बताया दिया शायद कैंसिल है, अगर उसको जाना होता तो वो फ़ोन लगा देता। तो पंकज का कैंसिल हो गया, मतलब हम चार लोग ही जा रहे हैं। अब कितना क्या टाइम लगने वाला है ये तो आपको ब्लॉग में ही पता चलने वाला है, क्योंकि हमें भी कोई अंदाज़ा नहीं है कहाँ कहाँ हमें घूमना है और क्या क्या हमें देखना है। कई सारी जगह हैं इटावा में घूमने लायक, वो रास्ते में ही पता चलेगा कहाँ कहाँ हमें घूमते हुए जाना है। लेकिन सबसे पहले तो काली वाहन मंदिर जाना है, क्योंकि सबसे पहले वही पड़ता है और आसपास कोई कोई जगह होंगी वो भी अपन घूम लेंगे। तो दोस्तों कैंपर वगैरह रख दिया गाड़ी में, सामने गाड़ी खड़ी है अपनी। दोस्तों सामने टोल आ चुका है, ये आपका जाना पहचाना टोल होगा, कई बार इस टोल को अपन वीडियो में दिखा चुके हैं क्रॉस करते हुए। पिंड से इटावा जाते हुए दोस्तों सबसे पहले तो आपको महावीर जी की ये प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। अभी यहाँ पर काम चल रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे देखते ही देखते करीब दो तीन साल तो हो ही चुका है। तो कंप्लीट हो जाएगा तब हम यहाँ पर आएंगे दोबारा से, अभी तो इटावा निकलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हम लोग चंबल नदी पर आ चुके हैं, यहाँ पर बैरिकेड वगैरह लगा दिए गए हैं क्योंकि ये पुल थोड़ा क्षतिग्रस्त है, तो आगे बसेस वगैरह अलाउ नहीं है। जितनी बसेस भिंड से आती हैं यहाँ पर पीछे रुक दी जाती हैं और सवारी ये जा रही है सब, आगे फिर इनको बसेस वगैरह मिल जाएंगी तो वहाँ से ये लोग बैठ जाएंगे इटावा के लिए। ये जो सामने आपको नदी दिखाई दे रही है चंबल नदी है, बीच में भी यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए हैं ताकि बड़े वाहन ना निकले। वैसे तो जो बड़े वाले बैरिकेड्स लगाए हैं स्टार्टिंग में ही, उससे काफ़ी सारे वाहन रुक जाते हैं। सैफ ही यहाँ से 34 किलोमीटर है ये खड़ी बसेस इटावा जाने के लिए। अपन को चलना है लाइन सफारी, तो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है 9 किलोमीटर। टैक्सी बोट भी जाना है 8.5 किलोमीटर, काले वाहन तो चलेगा 7 किलोमीटर है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं यमुना जी पर और सामने ये जो आपको हाईवे नज़र आ रहा है ये इटावा का बाईपास हाईवे है, जो कि डायरेक्ट कानपुर हाईवे में जुड़ जाता है जाकर। यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको इटावा शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों को इटावा सिटी एक्सप्लोर करने जाना है तो हम लोगों को तो अंदर जाना ही पड़ेगा। ना मैं चलाऊँ, गाड़ी नहीं चल रही। तो चल रही है, भाई चलाएगा। तारा भाई जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पूरी सब्जी बटी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं काले वाहन मंदिर और अंदर मंदिर बना हुआ है, अभी चल रहे हैं उधर। गाड़ी हमारी इधर नीचे लगा दी हम लोगों ने और ये फोटो शूट करवा रहा है अपना, और हिमांशु से फोटो शूट कर रहा है। नारियल ले रहे हैं, नारियल ले रहे हैं। सामने काले वाहन मंदिर है, अंदर जाके प्रसाद चढ़ाते हैं। बेहड़ वाली मैया, जब घंटा बजाने का रहे हम लाइक तो दोस्तों भैरव बाबा के भी दर्शन हो चुके हैं, अब जा रहे हैं वापस से अपनी गाड़ी की तरफ। तो आ चुके हैं वापस से अपनी गाड़ी में, अब ड्राइविंग कर रहा है मुकेश और हिमांशु बैठा है पीछे। अरे इसमें बैटरियां हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन सवारी बैठी है, इटावा सवारी तो यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अपन लोग पहले जा रहे हैं पिलुआ वाले हनुमान जी पे, क्योंकि इटावा सवारी अगर हम जाते हैं तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे अपनों को, इस वजह से पहले पिलुआ वाले हनुमान जी चलते हैं, वहाँ पर पहले दर्शन करते हैं, क्योंकि बताते हैं मंदिर जल्दी बंद हो जाता है तो वहाँ
वहाँ पर दर्शन करके अपन लौटते टाइम फिर और जितनी भी जगह बस्ती है इटावा में वो घूमेंगे। और अभी घड़ी में 8:54 हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें मुड़ना है कचौरा घाट वाली रोड पर बाई तरफ। लोहा वाले हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए अपन को यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा। ये कौन सी जगह है? अच्छा लिखा है, बोर्ड लगा हुआ है 2 किलोमीटर। तो अभी हम लोहा गांव में चल रहे हैं। इस गांव को क्रॉस करने के बाद लोहा वाले हनुमान जी का मंदिर आएगा। तो भैया मैं अभी पिलुआ वाले हनुमान जी के दर्शन करने आया हूँ और मुझे सुंदरकांड पढ़ रहा है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। तब तक सप्तम भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और हिमांशु सुंदरकांड पढ़ रहा है। तो दोस्तों पिलुआ वाले हनुमान जी के दर्शन करने के बाद प्रसाद वगैरह भी अपन ने चढ़ा दिया है। बाद में मैं नीचे से जाके ले आया था, स्टार्टिंग मैंने नहीं लिया था, बाद में सामने जाके प्रसाद मिल रहा था तो वहीं से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ। अब हो सकता है लाइन सफारी वगैरह चलें या फिर टिक्सी टेम्पल, देखते हैं कहाँ घूमते हैं, जो प्लान बन जाता है वहीं पर चलेंगे। तो पिलुआ वाले महाराज जी से अपन निकल चुके हैं, अब देखते हैं कहाँ चलते हैं। और गाड़ी यहाँ से सत्यम चला रहा है, मुकेश और हिमांशु पीछे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों पिलुआ वाले हनुमान जी के दर्शन करने के बाद रास्ते में जब हम मतलब वहाँ से वापस जा रहे थे इटावा की तरफ तो यहाँ पर साईं बाबा मंदिर हमें दिखाई दिया, तो सोच रहे हैं यहाँ पर ही दर्शन कर लेते तब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आए थे इटावा रेलवे स्टेशन क्योंकि यहाँ के कुछ शूट्स वगैरह लेने थे, ब्लॉग वगैरह अपन एडिट करते हैं तो उसमें बीच में लगाने के लिए। क्या जी है तो पसंद आए तो दोबारा मांग लेना। हिमांशु ने शुरुआत कर दी है, मुकेश ने भी कर दी है, सत्यम ने भी कर दी है। दो आप पापड़ी चाट बना दिए, एक आलू की टिक्की लगा देना। प्याज की प्याज आ रही है दो मिक्स वेज कर दो। पनीर में प्याज नहीं डालना कि नहीं डालना? नहीं प्याज नहीं डालना पनीर वाले में, इसमें डालना है ग्राउंड इसमें कंप्लीट है। तो भैया पेटीज वगैरह खा ली अपन ने। और आप भी अगर कभी इटावा आते हैं और इस शॉप पर पेटीज खाते हैं तो आपको मिक्स वेज वाली पेटीज लेनी है, इसमें आपको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा और क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। 50 रुपये की पेटीज पड़ेगी मिक्स वेज वाली। और अगर आप पनीर पेटीज लेते हैं तो वो 40 रुपये की पड़ती है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको पनीर मिलेगा, आलू वगैरह कुछ डालते नहीं, मसाला वगैरह डाल देते हैं और प्याज वगैरह आप डलवा सकते हैं ऊपर से, प्याज और नमकीन वगैरह सॉस में डुबा के पनीर रख देंगे बस, ठीक है, एक टुकड़ा पनीर का सॉस में डुबा के दे देंगे। और आलू पेटीज अपन ने ट्राई नहीं की है। अब हम चल रहे हैं लाइन सफारी घूमने के लिए तो वहाँ का आपको एक्सपीरियंस वगैरह दिखाएंगे थोड़ा बहुत। और जो फुल वाली वीडियो होगी वो बैक टू जर्नी पे दोस्तों आएगी, तो आप चाहें तो उस वाले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको पूरी वीडियो देखने को मिलने वाली है। और उसमें अलग अलग जितनी भी जगह हम गए हैं सभी अलग अलग वीडियोस अपलोड होंगी सभी जगहों की जो जो हमने आज देखी है, तो बैक टू जर्नी वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो जैसे ही सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा है, हम लोग इटावा लाइन सफारी पहुंचने वाले हैं। ये गेट आ गया इसका मुख्य द्वार। ₹60 गाड़ी पार्किंग चार्ज और बाकी टिकट अंदर। तो एसी बस चलती है अंदर क्या? दोनों चल रही है, एसी और नॉन एसी। और एसी का 300 है, नॉन एसी का 200 है। और सफारी पार्क पूरा खुला है अभी? अच्छा, सब खुला। बीच में अभी बंद हो गया था ना सारी लाइन सफारी। ये बहुत बड़े बड़े ब्रेकर बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों गोप्रो अपन ने रख दिया है अलवारी के लॉकर रूम में। तो कैसा लग रहा है आपको? दोस्तों जैसे कि आपको नजर आ रहा है, हम लोग लाइन सवारी अंदर आ चुके हैं और गोप्रो अंदर लाना अलाउ नहीं है, इस वजह से मोबाइल के कैमरा से ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब दूसरे चैनल पे भी जो वीडियो लाइन सवारी अपलोड होगी वो भी मोबाइल के कैमरा से ही होगी, लेकिन कोशिश करूँगा अच्छी क्वालिटी में आए। अब ये तो फ्रंट कैमरा है, इस वजह से थोड़ी धुंधली सी हो सकता है आ रही हो। ये छोटा सा डायनासोर बैठा हुआ है यहाँ पर, तो डायनासोर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सामने लाइन पैसेज है जहाँ से हम अभी क्रॉस करने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पर लाइन वगैरह रहते हो, पता नहीं लाइन दिखेगा या नहीं दिखेगा। यहाँ पर किस्मत अच्छी हो तो दिख जाएगा, नहीं किस्मत अच्छी हो तो नहीं दिखेगा। और सामने से यहाँ से मुझे बसेस वगैरह दिख रही हैं, तो यहीं से बस मिलती होंगी। शेर देखते हुए मुकेश बकवास नहीं कर। लाइन सफारी घूमने के बाद दोस्तों हम लोग आ पहुँचे हैं टिक्सी टेम्पल घूमने के लिए। अब देखते हैं, मैं पहली बार आया हूँ, पता नहीं कौन सा है। यहाँ पर मंदिर का भी कुछ बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है और सामने भी है कुछ मंदिर जैसा। तो ये टिक्सी टेम्पल आने के बाद पता चला कि मंदिर अभी क्लोज है और इसकी टाइमिंग है सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक, और इसके बाद मंदिर शाम को खुलता है 5:00 से 8:00 तक। तो फिर कभी आपको इसका एक टूर बनाकर दूंगा बैक टू जर्नी वाले चैनल पर। अभी तो बस बाहर से ही देख लिया, मतलब मैं यहाँ से कई बार निकल चुका लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि टिक्सी टेम्पल यहाँ पर सामने ही है। तो ये मार्केट वाली रोड है, उसी रोड पर ये पड़ता है। तो फिर कभी आना होगा क्योंकि इटावा तो हम काफ़ी बार आते जाते रहते हैं और पास में ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। यहीं पर किला भी है, थोड़ा आगे चल के दिखा दूंगा वैसी बाहर से, क्योंकि किला की एंट्री बंद है, 3,000 रुपये टिकट लगता है शायद, सुना है ऐसा मैंने। फिर कभी मतलब टिकट उसका लगता है, रूम वगैरह उसमें रहते हैं तो उसका टिकट लगता है। तो फिर कभी उधर चलेंगे तब आपको उसका टूर दूंगा। और यहाँ पर एक नौ देवी माता मंदिर है, अभी वैसे सब मंदिर बंद है क्योंकि दोपहर का समय है, घूमते घूमते अपन को दोपहर हो गई है। गाड़ी हमारी यहाँ पर सामने खड़ी है, सबके सब गेट पकड़े खड़े हैं। तो दोस्तों 2:31 हो रहे हैं और हम आ पहुँचे हैं CNG पंप पे। आपको ये पंप देखकर कुछ याद आ रहा होगा, ये वही पंप है जब हम नैनीताल जा रहे थे तो यहीं से हमने CNG सबसे पहली टाइम फुल करवाई थी। और मुकेश गाड़ी चला रहा है, सत्यम सो चुका है पीछे और हिमांशु जग रहा है। अभी इटावा में धूप थी लेकिन इटावा जैसे ही अपन इंडवाली रोड पर बढ़े तो मौसम देख रहे हो बिल्कुल शानदार हो चुका है, बादल हो चुके हैं काले काले और बौछार भी गिर रही है हल्की फुल्की। हिमांशु को लाल चुंगी पर छोड़ आए थे और मुकेश घर पर उतर गया यहाँ पर, और हम आ गए अपनी गली में, सत्यम गाड़ी चला रहा है। तो ये घर पे आने के बाद अपने कोई काम नहीं किया, खाना वगैरह खाया और सो गए। फिर उसके बाद सीधे शाम को जगे 7 बजे के आसपास, और जब जगे तो बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की फुल्की बारिश भी हो गई थी यहाँ भी। वैसे भिंड में बारिश नहीं थी, वहीं इटावा साइड थी, लेकिन फिर शाम को यहाँ भी बारिश हो गई तो मौसम में थोड़ी ठंडक हो गई है। और अभी मैं मुकेश के साथ में एक निमंत्रण में जा रहा हूँ, मुकेश का अभी फ़ोन आया रात को 9:30 के आसपास, मतलब अभी फ़ोन आया कि एक निमंत्रण है तो चलो मेरे साथ में, अब जा रहे हैं उधर खाना खाने। तो ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।